Hello students, welcome back to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn and discuss the question answers of 12th Standard English, Chapter 1.5, The New Dress by Virginia Woolf. First, you can see the meanings from this passage. All the meanings are listed. ये मीनिंग्स होते हैं जो आपको पैसेज में ऐसे एक्टिविटी आते हैं, वहाँ पर आपको फ्रेजेस दिया होता है या वर्ड दिया होता है और आपको वाइस वर्सा फाइंड करने के लिए कहा जाता है. तो यहाँ से आप इन वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हो लर्न करने के लिए. मैं जस्ट आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ. छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है इस पैसेज के बारे में. सो ये इंट्रोडक्शन इज़ नथिंग बट द समरी ऑफ द पैसेज. ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके एंड पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स. अगर आपको इस चैप्टर का ये पैसेज का समरी पूछा जाए तो ये आप लिख सकते हो. सिर्फ इसमें एक आपको टाइटल ऐड करना होगा. ये ऑथर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है जो कि हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा काम का नहीं है. चलो नेक्स्ट आइस ब्रेकर्स देखते हैं. आइस ब्रेकर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पर्टिकुलर इवेंट में आप कौन से टाइप के कपड़े पहनकर जाना प्रेफर करते हो, पहन के जाना पसंद करते हो. तो जैसे कि हम यहाँ आंसर्स देख लेते हैं. किसी की बर्थडे पार्टी होगी तो हम जीन्स टॉप टी शर्ट में जाना पसंद करते हैं. स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाओगे और एल्स आप फॉर्मल्स में जाओगे. अगर हम पिकनिक जा रहे हैं तो पिकनिक में हम टी शर्ट, हुडी, शॉर्ट्स, जैकेट, डंगरी पहन के जा सकते हैं. एंटरटेनमेंट शो अगर कहीं है तो वहाँ पर हम अपने इवनिंग ड्रेस पे यानी कि पार्टी वेयर में जाएंगे. ब्लेजर्स, फॉर्मल, सच काइंड ऑफ क्लोथिंग्स विल डू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिस्कस करना है हम कौन से इवेंट में जाना प्रेफर करेंगे. सो आंसर्स आर मेंशनड ओवर देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. हमें डिस्कस करना है कि कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं यानी कि कपड़े जो होते हैं वो हमारे पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं, पर्सनैलिटी को और भी ब्यूटीफुल बनाते हैं. सो यस, इट इज़ अ फैक्ट. कपड़े हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे हम अलग अलग इवेंट्स में कपड़े पहन कर जाते हैं तो उन कपड़ों से ही, उन ड्रेसिंग से ही पता चल जाता है कि हम कौन से पर्टिकुलर प्लेस पे जा सकते हैं. कोई भी हमें देख के गेस करता है. इसके अलावा जो कपड़े होते हैं वो हमारे स्टेटस के साथ भी कनेक्टेड होते हैं. कपड़ों की नीट एंड टाइडीनेस, कपड़ों की क्वालिटी, कपड़ों का ब्रांड, ऑल दीज थिंग्स आर जज्ड इन आवर वर्ल्ड. नेक्स्ट एग्री एंड डिसएग्री करना है आपको. फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल ड्रेस होता है उससे हमारी पर्सनैलिटी डल दिखती है. नो स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट अ फैक्ट. जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो हमें सूट करना चाहिए, चाहे वो सिंपल हो या बहुत ही एक्सपेंसिव हो. हमें दूसरों के कमेंट से अपने आप को जज नहीं करना चाहिए. यस, आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट. हमें कभी भी दूसरों के कमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को जज नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट वी शुड जज आवर सेल्फ बाय द वे वी फील अबाउट आवर सेल्फ. थर्ड क्वेश्चन, फैशनेबल एंड कॉस्टली क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें रिच, इंटेलिजेंट और ब्यूटिफुल दिखाते हैं. दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट विल सी पैसेज नंबर 1, दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 44, 45 एंड 46 ऑफ आर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट फिलअप्स है. जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होगा स्टूडेंट्स वो हम डिस्कस करेंगे. बाकी के क्वेश्चंस को मैं जस्ट स्लाइड अप करते जाऊंगा. आप पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर सकते हैं. अगर मैं हर एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा.
फिर आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि वीडियो बहुत लेंदी है, तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो एंड आपके जो भी डिज़ायर्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको इजीली मिल जाए विदाउट एनी इश्यू। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स बताते रहिए। आपको अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर ड्रॉप करिए। जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में आपके टेक्स्ट बुक एज वेल एज वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर्ड हैं। बस कभी कभी पैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिवाइड करने की वजह से आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स आगे पीछे रह जाते हैं। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको आपका आंसर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेबल के मन में जो अलग अलग थॉट्स आ रहे थे वो हमें बताना है। सो मेबल जो थी उनके मन में एक शक, एक डाउट बैठ गया था रिगार्डिंग हर ड्रेस। कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड के ऊपर ये पैसेज है, ये चैप्टर है कि कैसे किसी के मन में जब शक बैठ जाता है तो वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचता है एंड जो भी चीज़ें वो देखता है उससे वो उसी को रिलेट करने की कोशिश करता है, जबकि रियलिटी में उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या आपको लगता है मेबल का जो स्ट्रगल था वो रियलिटी पे बेस्ड था? तो नो, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट अ ट्रुथ। बट मेबल जो थी वो कॉन्शियस थी अपने बारे में, हर टाइम वो अपने बारे में ही सोच रही थी। वो पार्टी से कम्प्लीटली डिटैच हो चुकी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर कोई उनके ड्रेस के बारे में कमेंट कर रहा है और उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मॉक कर रहा है। नेगेटिविटी ने पूरी तरीके से उनके करेज को और उनके माइंड को ओवरटेक कर लिया था एंड वो इंटरनल मोनोलॉग में, यानी कि खुद से बातें करने में पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो गई थी। तो इसकी वजह से वो रियलिटी से काफ़ी दूर चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप कभी किसी तरीके के सोशल ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़े हैं? तो हो सकता है आप कभी ऐसे सिचुएशन से आपका भी सामना हुआ हो जब आपके ड्रेसिंग के रिगार्डिंग या आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के रिगार्डिंग आप कुछ ऑकवर्ड काम कर दिए हो, तो एक्सपीरियंस आप यहाँ लिख सकते हो। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो रेजोल्यूशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस के वर्ड्स, अल्फाबेट्स क्लियरली दिखने लगें। पैसेज 3, पेज नंबर 47, 48 एंड 49 से पिकआउट किया गया है। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, सो पैसेजेस भी हमने काफ़ी डिवाइड किए हैं ताकि अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को समझ सकें, एनालिसिस कर सकें एंड इसकी वजह से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो आप पैसेज वाइज भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। पैसेज वाइज देख के आप अपने आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि वीडियो शॉर्ट एंड प्रिसाइज रहे ताकि आप
वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर सकें। प्लेलिस्ट में इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स, पोएम अप्रिसिएशन भी अपलोडेड है स्टूडेंट्स, तो एक बार जाकर उन वीडियो को भी ज़रूर चेक करें। पैसेज 4 देखते हैं, पेज नंबर 49, 50 एंड 51 का। सो क्वेश्चन आंसर्स आप देख लो यहाँ पर। राइट एंड रॉन्ग है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो एक्टिविटी के जैसे आपको पैसेज में कभी भी पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके से आता है। सो मेक श्योर एटलीस्ट वंस यू हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट इज पर्सनल रिस्पॉन्स, राइट अबाउट द मोमेंट दैट मेक यू हैप्पी। सो ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट दैट गिव अस ट्रू जॉय कैन बी प्लान गिव रीजन। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे मोमेंट्स को हम प्लान कर सकते हैं, बिकॉज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द इमोशन दैट वी आर फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड ऑल्सो समटाइम्स प्लान थिंग्स कैन गो रॉन्ग, एंड ट्रू हैप्पीनेस जो होता है वो प्लान थिंग्स से नहीं, सरप्राइजिंगली होता है स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू मी आंसर आपके अकॉर्डिंग डिफर कर सकता है। पैसेज नंबर 5 फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 51 एंड 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइंड ऑफ वेरी फनी क्वेश्चन, बिकॉज मेबल ने सारा सिचुएशन अपने दिमाग में ही डिसाइड कर लिया था, सोच लिया था। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेबल जब पार्टी छोड़ने से पहले क्या डिसीजन बनाया। लास्ट का सेंटेंस क्या सजेस्ट करता है। सो मेबल ने जो डिसीजन ले लिया था पार्टी लीव करने का, एंड मिसेस डलहाउजी से मिलके वो पार्टी को छोड़ देती हैं। नेक्स्ट आर इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, एंटायरली टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक एज वेल एज वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, एंड आपके टेक्स्ट बुक में जो भी राइटिंग स्किल दिया है एट द एंड ऑफ द चैप्टर दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में हमारे राइटिंग स्किल के वीडियोस भी चेक कर सकते हैं।
पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर्स देते टाइम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको ध्यान देना है कि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और किसी भी तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सो आप इजीली आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स में, बिकॉज वो आपका कम्प्लीटली पर्सनल आंसर होता है। आप जो भी फील करते हो, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, सब कुछ इस आंसर में अप्रिशिएट किया जाता है। तो विदाउट एनी फियर एक्टिविटीज हम देखते हैं। वर्जीनिया वुल्फ से कुछ आपको बुक्स पढ़ने के लिए कहा गया है, बट ये आपके सिलेबस के बाहर का है, तो अगर आप ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपके प्रिपरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हमें वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं, जिसमें से मेबल जो है एक काफ़ी स्किल्ड कैरेक्टर है, तो हमें मेबल का कैरेक्टर स्केच लिखना है एंड वर्जीनिया वुल्फ का भी उसमें जिक्र करना है। सो पहले हम कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस डेलोवे देखेंगे। जी हाँ, वही डेलोवे जिन्होंने उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, मेबल को इनवाइट किया था। क्लॉथ्स मीन्स नथिंग अंटिल समवन लिव्स इन देम, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, यानी कि कपड़े जो होते हैं उसे हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट जब हम कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे होते हैं तो वही कपड़े हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल बन जाते हैं। हमें इस आइडिया को एक्सप्लेन करना है। प्रोजेक्ट्स देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके टीचर्स आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम देंगे इंटरनल मार्क्स के लिए, सो आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में ऑलरेडी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, आपको फ्यूचर में काम देगा। एट लास्ट हम देखेंगे फन टाइम के लिए कुछ क्रॉसवर्ड्स। सो आपने क्रॉसवर्ड्स तो खेला ही होगा, इस पजल में आपको क्रॉसवर्ड्स फिल करने हैं, आपके लिए टाउन के लिए सारे हिंट्स दिया हुआ है एंड एक हिंट मैं भी आपको दूंगा कि ये सारे आंसर्स आपको इजीली इस पैसेज में से मिल जाएंगे, जस्ट आपको एक बार अच्छे से सर्च करना है। आप ट्राई करिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करता हूँ, वीडियो के लास्ट में आप आके आंसर्स भी देख सकते हो। सो दिस वॉज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द न्यू ड्रेस। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर इनटू द वाइल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।